हमारे कंधे पर अरेंजमेंट होनी चाहिए, कंधे की वो लड़ाई सारी, इसलिए हम अरेंजमेंट नहीं बढ़ा सकते तो इंडियन आर्मी कर दो, सबको खत्म कर दो। जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सब खत्म करो। तुमसे क्या दिक्कत है आपको? सबको, हम सबको दिक्कत है, हमारे अरेंजमेंट क्यों नहीं है? जाट ज्यादा हमसे ताकतवर है क्या? कोई हमारी कौम सबसे ऊपर आज हिंदुस्तान के अंदर, हम कैसे झुकेंगे? हम झुकने नहीं देंगे। 114 हीर बलिदान देख, सर्वोच्च बलिदान दे करके हमने 3000 चीनी सैनिकों को मारा, उस पर गीत लिखा प्रदीप द्विवेदी ने, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, लेकिन उसमें हीरो की चर्चा नहीं है, ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। बदलाव क्या आएगा यार, अगर रेजिमेंट बन जाएगी हीरो की तो बदलाव भी होगा, आगे लड़ाई भी होगी, सबसे जोश में आएंगे सबसे लड़ाई में। अभी जोश नहीं है? नहीं है जोश, मरेंगे सारे, पिट जाएंगे, सब भागे वहाँ से, आपको पता नहीं सिख भाग लिए थे लड़ाई के अंदर, यही कौम भागने वाली नहीं है। रात तुलाराम 1857 के अंदर देखे गए थे, सर तलवार से उड़ा दिया था, नसीब पूरा जाके देखो खुलियम खून होगा। और राजपूत रेजिमेंट बहुत बहादुर है, बहादुर हमसे हिंदुस्तान में बहादुर, इससे बहादुर कोई नहीं है, हम चैलेंज करते हैं, हम चैलेंज करते हैं हिंदुस्तान में अहिर से सबसे तगड़ी कौम है, नहीं कोई नहीं है। आपकी रेजिमेंट क्यों नहीं बनी फिर? रेजिमेंट नहीं बने, हमारे देश के कुछ गद्दार लोग थे जिन्होंने साथ नहीं दिया, हमको धोखा दे गए, अगर ये कट्टर कौम है, अहिर कट्टर कौम है, जब इन्होंने आजाद करा हिंदुस्तान के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने किया। आपको तो कहते हैं भैंस पालते हैं, तो नहीं भैंस को कौन पालता है? भैंस ना पकड़े इसको बोला ना, तो दूध कहाँ से आया, घी कहाँ से, लड़ाई कैसे लड़ जान नहीं होगी, तो अगर जान नहीं होगी तो दी भैंस घी दूध निकाले तुम कहाँ, अभी हम तो साधु को मार देंगे अभी भी। ग्वाल आए तो 1962 की लड़ाई के अंदर देखा था अहिरों ने क्या नाम किया है, इतिहास उठा के देखो वहाँ जाकर के 114 जवानों ने बहन जो हमने सिर खत्म हुआ शादी दी है। शैतान सिंह कहाँ कहाँ बहन जो लड़ाई लड़ी लोगों ने, लेकिन बहुत सारी जातियाँ हैं देश में, सब ऐसी डिमांड करेंगे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार को दिक्कत क्या है ये बताओ, अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए जब सारी कौमों की अहिर रेजिमेंट बनी हुई है और उन्होंने अपना अपना नाम से अपना अपना ऑपरेशन लड़ते हैं, एक अहिर रेजिमेंट ऐसी है जो अहिरों का नाम बिल्कुल देश के अंदर ख़त्म होता जा रहा है। अहिरों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं और अभी भी देश की 1962 से लेकर के और 1990 तक की लड़ाई के लिए अहिरों की रेजिमेंटों का नाम है, अहिरों का नाम है। कौन कहता है कि अहिरों के अंदर एक काबिलियत का दावा नहीं है? उनके अंदर हिम्मत है, जोश है और देश के लिए माथा भरा हुआ है, वो देश के लिए पूरी तरह से एकदम एक लड़ाई के लिए तैयार हैं। जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, क्या दिक्कत है उनसे आपको? जाट रेजिमेंट, कमाऊ रेजिमेंट और सब रेजिमेंट हैं, अगर इन रेजिमेंटों का देश में सरकार रखना चाह रही है तो क्या अहिर रेजिमेंट से सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? सरकार को कौन सी कमी आ रही है अहिर का नाम देश में उपलब्ध करने के लिए? ये तो सबकी कौमी लड़ाई है, ये तो देश के अंदर सबका हक है और सबको अपनी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जातियां हैं देश में, सब मांग करने लगेंगे ऐसे तो? हाँ, अगर करने लग रही है तो सरकार को उस विषय के ऊपर पूरा सोच विचार करना चाहिए और सब जातियों को ख़त्म करके इंडियन आर्मी कर दिया जाए, ताकि सोशल देश के अंदर किसी को कोई आह्वान करने का मौका नहीं मिलेगा। हम रेवाड़ी से आए हैं, हमारी मांग है अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए, इसमें अगर अहिर रेजिमेंट नहीं बन पाती है तो सबकी जात पात सब खत्म कर दो, इंडियन आर्मी कर दो, जैसे नेवी एयरफोर्स है, ठीक है ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर नहीं बनाते तो अहिर रेजिमेंट, या उनकी अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं? हाँ जी, अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। अच्छा, रेजिमेंट बनाने से क्या फायदा होगा यादवों को? फायदा करें, उनका नाम लड़ाइयों के अंदर सबसे ज्यादा नाम हमारा है। अच्छा, लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा अगर अहिर नहीं होते तो लड़ाई नहीं जीत पाते। ये हिंदुस्तान गुलाम था या अहिरों ने हिंदुस्तान में सब आजाद कराया है, ये किसी हिम्मत नहीं थी, अगर अहिर नहीं होते तो आज हिंदुस्तान गुलाम रहता। सब इंडियन आर्मी आ जाएगी ना, सब आ जाएंगे, जाट का इससे कोई मतलब नहीं है, कंधे पे इंडियन आर्मी कर दो, जाट सिख सिखाई जो भी है ना पंजाब सब हटा। लेकिन आप तो अहिर रेजिमेंट की मांग उठा रहे हैं सर, आप इंडियन आर्मी की मांग कहाँ कर रहे हैं? इंडियन आर्मी काम तो फैसला नहीं कर रहे ना,
सन 47 के बाद में अहिरजमेंट की सुनाई नहीं कर रहा, क्यों नहीं बढ़ी? मेरे को जवाब देते हो, सन 47 के अंदर हिंदुस्तान आजाद हुआ, अहिरजमेंट क्यों छोड़ी? हमको बता दो क्यों छोड़ी अहिरजमेंट, क्यों नहीं बढ़ाई? वो देश के गद्दार थे जिन्होंने अहिरजमेंट नहीं बढ़ाई। सबसे ज्यादा लड़ाई हिंदुस्तान में हिंदू है। जात के आधार पर रेजिमेंट बनवा रहे हैं? आधार नहीं मांग रहे, जात कोई जात पात नहीं है, जात पात कोई नहीं है। सेना में जातिवाद बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा सर, नहीं। इंडियन आर्मी कर दो कोई जात पात नहीं बढ़ेगी, सब खत्म, जात पात सब खत्म, ईसाई मुसलमान सब खत्म। इनाम सिंह रक्षा मंत्री रहे थे तब भी नहीं बढ़ी रेजिमेंट आपकी? रेजिमेंट उसको पॉइंट ही नहीं दिया, उसने अपना फायदा उठाया है। इसने मुलायम सिंह ने अपना कोटा उठाया है उसने, बाकी और बार लोगों को कोटा काट दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई लड़ेंगे तो अहिर लड़ेंगे सबसे ज्यादा, लड़ाई अगर लड़ते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर अहिर लोग लड़ते हैं। लेकिन नया नाम आ गया अग्निवीर, अब तो सैनिकों के लिए खत्म कर दो, अग्निवीर कर दो, सबको खत्म कर दो, हमें मंजूर है, अग्निवीर लगा दो कंधे पे, ठीक है। वो तो 4 साल की नौकरी है, लेकिन नहीं वो नहीं, अब खत्म कर दो सबको, ठीक है, सब भर्ती बंद हो जाए, सब पेंशन बंद कर दो, विभाग के आने वाले सबकी पेंशन बंद कर दो, अग्निवीरों को भर्ती कर रहे हो वो हमें मंजूर है, अग्निवीर लगा दो कंधे पे सबको, सबको जहाँ अग्निवीर तो बन रहे हैं, बन तो रहे, लेकिन नहीं जी खत्म करो इनको कंधे पर, सब जो लगा रखे उनको हमें मंजूर, अग्निवीर लगा दो, अगर आईडी खट्टे हो गए तो सरकार को हम उड़ा देंगे, 2 महीने लगने देंगे हम, हमारे हाथ में वोट मांगनी, अब एक दिन में गिरा देंगे हम सरकार। लेकिन कई साल से डिमांड कर रहे हैं आप, नहीं, जोश नहीं है लोगों के अंदर, एकता नहीं है, एकता भंग हो जाती है हमारी, अगर में कोई किमी कह जाता है, कोई किमी कह जाता है, इसलिए हम पीछे हट जाते हैं। मोदी जी आपकी मांग पूरी करेंगे? मोदी मांग पूरी करेंगे, देश का प्रधानमंत्री है और रेवाड़ी के अंदर सबसे फर्स्ट रैली रेवाड़ी में करिए, अब मैं फौजियों की मांग पूरी करूंगा। आप भी सेना में रहे क्या? हाँ सेना में रहे, मैं भी सर 25 साल नौकरी करके आया हूँ। राजनाथ सिंह को लगा रखी दरखास्त, मैं खुद इंडिविजुअल बोला, अब मेरे मोदी और राजनाथ से मेरी बात कराओ, मैं करता हूँ, नहीं मिलने दे रहे। सेना में तो सर नौकरियाँ कम होती जा रही हैं। नौकरी वैसे कम हो जाए लेकिन नाम होना चाहिए। अच्छा, आई रेजिमेंट का नाम होना चाहिए, बाकी कौमों का सबका है, हमारा क्यों नहीं? ये हमें जो आप कहाँ से आए सर? वही से रेवाड़ी। आप भी सेना में रहे? हाँ। क्या मांग है आपकी? अहिर रेजिमेंट कंधों पे लिखा जाए। आप अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, सब जातियां बहुत सारी हैं, सब मांग करने लगेंगे ऐसे तो? सबका हटा दिया जाए या तो अहिर रेजिमेंट रखी जाए या इंडियन आप मांग कर रहे हैं, कल को मुस्लिम मांगेंगे हमें भी रेजिमेंट दे दो, वही तो कह रहे हैं, या सबका हटा दिया जाए या सबका नाम लिखा जाए। अच्छा, हम मांग कर रहे हैं अहिर रेजिमेंट की। सारी रेजिमेंट खत्म कर दिया, क्या क्या नाम होने चाहिए? इंडिया आर्मी, इंडियन आर्मी रख दिया। इंडियन तो अभी भी है? नहीं है, लेकिन अलग अलग है ना, राजपूत सिख सब लिखा हुआ है। अच्छा, रक्षा मंत्री रहे थे मुलायम सिंह यादव, तब आपने मांग उठाई थी? मांग तो कभी से उठाई गई है, लेकिन क्यों नहीं करे यही तो बात है। मैं प्रोफेसर धीरेंद्र कुमार धीरेन्द्र मुंगेर बिहार से आया हूँ, मैं अहिर रेजिमेंट मोर्चा का संयोजक, प्रांतीय संयोजक, ये प्रमंडलीय संयोजक हूँ। मेरा कहना यह कि अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए, ये हमारा हक है, इसलिए कि राष्ट्रपति के सुरक्षा में राजपूत जा सकते हैं, जाट जा सकते हैं, सिख जा सकते हैं, इसलिए उसका रेजिमेंट है। हमारा रेजिमेंट नहीं होने से हमारे जादवों को उनके सुरक्षा में नहीं लगाया जाता। एक, हमने रेजांगला के युद्ध में मैंने लद्दाख बचाया, 114 अहिर बलिदान दे, सर्वोच्च बलिदान दे करके हमने 3000 चीनी सैनिकों को मारा, उस पर गीत लिखा प्रदीप द्विवेदी ने, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, लेकिन उसमें अहिरों की चर्चा नहीं है, ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम 26 करोड़ इस देश में हैं, मात्र हमारे 18 MP हैं, हम पॉलिटिकली भी बहुत आगे नहीं हुए हैं, हमने इस देश को सर्वोच्च बलिदान दिया और शहादत दिया, और अहिर रेजिमेंट का मांग हमारे जादव महासभा के द्वारा ये शुरू से 100 वर्षों से है, आज नई नहीं है। अगर ये रेजिमेंट नहीं बनाया जाता है तो आप सब रेजिमेंट, जातीय रेजिमेंट खत्म कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें हक मिलनी चाहिए, हमें पहचान मिलनी चाहिए, यही मेरा कहना है। अभी पहचान नहीं है यादवों को देश में, भैया मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, लाल वो रहे, मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह रक्षा मंत्री रहे, मुलायम सिंह रक्षा मंत्री रहे, MP हमारे कितने हैं? हरिजन आदिवासी के, सॉरी ये शेड्यूल कास्ट ट्राइब के 132 हैं, राजपूतों के लगभग 100 से अधिक हैं, जो 2% हैं, हम 20% हैं, मेरा 18 मात्र है MP, हमारा विकास कहाँ हो रहा है? तो अहिर रेजिमेंट बनने से 80% हमारी बहाली होगी तो हमारा विकास होगा। हम उच्च क्लास के जो है शहादत देने वाले हैं, वीर पुरुष हैं, हमारा कौम हमेशा से लड़ा है देशभक्ति के लिए, देश के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 10-10 कमांडर यादव थे,
उन्होंने वो ब्रिटिश सेना में जो यादव को बहाली किया था उसको छोड़ करके उनको साथ दिया, हमने हमेशा देश के लिए साथ दिया, इसीलिए हमारा रेजिमेंट अंग्रेजों ने नहीं बनाया। तो मोदी सरकार को ध्यान दे दे आपकी मांगों पे। हाँ देना चाहिए, नहीं देगी तो मोदी सरकार जाएगी। लेकिन अब तो चुनाव भी नहीं, आप मांग लेकर के आ गए ऐसे में। दो साल से तैयारी है ना, ये मांग चलते रहेगा। हाँ अब ये जोश उत्साह के साथ और आगे बढ़ाएंगे। जो आपके सांसद हैं यादव बिरादरी से आते हैं, विधायक बहुत सारे हैं और सांसद भी हैं, वो आपने उनसे मदद मांगी? 18 सांसद यादवों के हैं। डिप्टी सीएम बिहार में आपके यादव, बिहार में यूपी में आपके जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव, रक्षा मंत्री रह चुके हैं आपके मुलायम सिंह। अब मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री रहने से तो बनाया तो नहीं, रक्षा मंत्री या मुलायम सिंह यादव, तो मुलायम सिंह यादव अकेले नहीं बना सकते हैं ना, ये तो कैबिनेट का फैसला होता है ना रेजिमेंट बनाने के लिए, तो मुलायम सिंह अकेले कैसे बना देते हैं? मुलायम सिंह जी का क्या गलती है? उन्होंने आर्मी के लोगों को बहुत सारा जो है सुविधाएं दी, उनके लिए सारा काम किया, लेकिन रेजिमेंट बनाना ये रक्षा मंत्री का काम नहीं है, वो तो पूरा कैबिनेट का काम है। सरकार जात की डिमांड कर रहे हैं कि जात घुस जाए राजनीति उसमें सेना में। सवाल ये है, आप महाभारत काल से देख लो हमारी यादवी सेना थी, आज से नहीं, वो लगभग 2500-3000 वर्षों से हमने हमेशा लड़ने का काम किया। मैं लड़ाकू कौम हूँ, मार्शल कौम हूँ। अंग्रेजों ने कहा कि यही जो है मार्शल कौम होता है, लड़ाकू कौम होता है, पीठ नहीं दिखाता तो लड़ने। त्यागी भी कह रहे थे हम भी मार्शल कौम है, बस कौन कहता है? कुछ दिन पहले त्यागी आए थे जंतर मंतर। कहने से नहीं होगा ना, आपका इतिहास न बताइएगा, इतिहास हमारा देख लो, हमने पीठ नहीं दिखाया रजांगला में, 7000 सेनाएं थी चीनी। अगर आज हम 114 शहादत नहीं दिए होते तो आज आपके पास कश्मीर और लद्दाख नहीं होता, आप 370 धारा कहां से हटाते? हमारा जो है एक एक खून का कतरा बोलता है कि हमने शहादत दिया, सर्वोच्च शहादत दिया, गाने लिखे गए देशभक्ति के, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं है। हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी यहाँ के फर्स्ट सीएम थे, लेकिन एक ही मेट्रो स्टेशन उनके नाम से नहीं है, एक चौक चौबटिया नहीं है, आप इतना अन्याय करते हैं यादवों के साथ। हम वैदिक काल के मैंने वैदिक क्षत्रिय हैं, हमसे बड़ा क्षत्रिय देश में कोई हो नहीं सकता, हमारा इतिहास है, हाँ सारे ग्रंथों में पढ़ा है। और आज आपके सांसद आए हैं कुछ यहाँ पे आपके मदद में? वो आए हैं माननीय DP यादव उत्तर प्रदेश, तो अभी बैठे हुए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश जी नहीं, देखिए पॉलिटिशियन को जो है ना वो जात से वोट लेता है, जातीय कारनामों के लिए वो खड़ा नहीं होता। वो एक भी छात्रावास तक कोई पॉलिटिशियन बनाया क्या? सारे लोग BR भगत विदेश मंत्री हो गए, लोकसभा के स्पीकर हो गए, बिहार से थे, क्या किया कोई? ऐसे पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया, पॉलिटिकल कारण से किया बस, यही तो हमारे लोगों का काम है। तो ये हमारा 26 करोड़ जदुवंशी का ये मांग है, हम वैदिक क्षत्रिय हैं, सारा इतिहास सारा वेद पुराण वेद में हमारी चर्चा है। हम तो शूद्र बताया गया वेदों में, क्या शूद्र हैं सभी वेदों में OBC सारी। हाँ चर्चा है, मैंने जदु के 5 भाइयों का चर्चा है जिससे मेरा वंश चला है। मंदिर ट्रस्ट बना है अयोध्या में उत्तर प्रदेश में, ट्रस्ट में एक भी OBC नहीं है, और आप कह रहे कि हमें राजपूत रेजिमेंट चाहिए, वो रेजिमेंट चाहिए, ये रेजिमेंट। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, OBC नहीं उस OBC को बनाए, ये सरकार तो ठगने की काम करती है। भाजपा जो है हिंदूवाद के नाम पर वोट लेती है, केवल ब्राह्मणवाद करती है, आगरावाद करती है, यही तो है। 130 IAS बना दिया, उप सचिव बना दिया, जो 15 साल के एक्सपीरियंस से होता है उसमें कहाँ बैकवर्ड क्लास है। इस देश में तो बैकवर्ड को बेवकूफ बनाया जाता है, जिसमें कि सब वोट तो मिल रहा है BJP को OBC का। भाई वो बुर्बक बना के नारा लगा के देशभक्ति के नाम पर ले रहा है ना, ये तो मूर्ख बनाता है। अगर ये जग जाए तब तो ये सरकार ही नहीं रहेगी।